नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू और इसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो हमने लिया है एक कप पिसी हुई चीनी, आप चाहे तो तगार भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। एक कप हमने देसी घी लिया है। दो बड़े चम्मच हमने लिया है खरबूजे का बीज, अगर आपके पास है तो डालें, ये ऑप्शनल है। 5-6 इलायची को मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। और हमने लिया है बेसन, तो हमने जिस कप से शक्कर और घी लिया है उसी से मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। बेसन हमारा हल्का सा मोटा है, अगर आपके पास पतला वाला बेसन है तो उसका भी उपाय मैं बताऊंगी आपको, आपको कैसे बनाना है जिससे हमारा ये लड्डू दानेदार बनेगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसन को भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो बेसन को भूनने के पहले जो हमने खरबूजे का बीज लिया है इसे भून लेते हैं। आंच को हमने मीडियम रखा है, इसे बराबर चलाते हुए भून लेंगे। इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा और ये हल्का सा चिटचिट की आवाज करने लगेगा तब इसे हम निकालेंगे, क्योंकि बीज हमारे फूल जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा तो लड्डू में बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इसे बराबर चलाते हुए हम भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं खरबूजे का बीज हमारा फूल चुका है और हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसमें से आवाज भी आ रही चिटचिट की। तो ये अच्छी तरीके से भून चुका है। अगर आपके पास खरबूजे का बीज नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट में डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम। उसे हल्का सा पीसें, छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और फिर उसे डालें। उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है फिर हमारे लड्डू में। ड्राई फ्रूट को आप भून कर ही डालें। तो चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने वापस कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं घी। तो हमने 1 कप घी लिया है तो इसमें से 1/2 घी डाल देते हैं, फिर हम बाद में डालेंगे। घी को गरम कर लेते हैं। तो घी हमारा गरम हो चुका है और अब हम बेसन डालेंगे और इसे हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। और हमें ध्यान रखना है कि बेसन हमारा जल ना जाए, क्योंकि अगर हमारा बेसन जल जाएगा तो लड्डू हमारा अच्छा नहीं बनेगा, कड़वा बनेगा। और अगर ये कच्चा रह जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अगर कच्चा रह जाएगा तो हमारे गले में चिपकेगा। जब भी हम लड्डू खाएंगे बनाकर तो गले में जो चिपकता है वो अक्सर जो भुना हुआ नहीं होता है या फिर कम भुना हुआ होता है बेसन, वो हमारे गले में चिपकता है। तो हमें आंच को स्लो मीडियम पर रखना है। तेज आंच पर या मीडियम आंच पर हमें इसे नहीं भूनना है, स्लो मीडियम पर हम इसे भूनेंगे और बराबर चलाते हुए अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि बेसन में गुठलियां पड़ जाती हैं, तो आपने देखा हमने इसे घी में डाला है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी हैं। अगर पड़ भी जाती हैं इस तरीके से इसे हम दबा दें तो बहुत आसानी से इसकी गुठलियां फूट जाती हैं और ये अच्छे से भुन जाता है। इसमें जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसे हम बंद करेंगे गैस को। इसीलिए हमें बराबर चलाते हुए इसे भूनना है, तेज आंच नहीं करना है और इस तरीके से इसे मसलते हुए हमें भूनना है। थोड़ा सा भी बेसन कच्चा न रह जाए और सब बराबर मात्रा में एक सार इसे भूनना है हमें। तो मैंने स्लो मीडियम पर 5 मिनट तक बेसन को भून लिया है और आप देख सकते हैं बेसन हमारा काफी ब्राउन हो चुका है। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इसे दानेदार बनाने का। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बेसन पतला वाला है तो हमें थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में, करीब 1 चम्मच पानी है और इसका हम छींटा लगा देंगे। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, पानी आसानी से जल जाएगा और बेसन हमारा अच्छी तरीके से भून जाएगा। आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद बेसन हमारा कितना फूलने लगा है। तो इससे बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार हमारा ये लड्डू बनकर तैयार होगा। इस तरीके से पानी डालने से इसके दाने दाने अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल फूल लिया है बेसन हमारा। लेकिन हमें इसे बराबर चलाते रहना है जिससे ये जले ना। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं जिसे तले में चिपके ना। 3 से 4 चम्मच घी हम डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसे हम बराबर चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स करते हुए और बराबर चलाते हुए भूनना है। तो मैंने इसे 10 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं बेसन का कलर हमारा काफी डार्क हो गया है। अगर आपको इसे हल्का रखना है तो इसे हल्का भी रख सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, नहीं तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं ठंडा करना है।
और अगर इस समय इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो लड्डू बनाने में हमें परेशानी होगी। तो इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, इसे हल्का सा चला देंगे और ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो बस ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर सारी चीज़ों को मिला देते हैं। तो हमने ये डाल दिया इलायची का पाउडर, इससे अच्छी खुशबू आएगी। खरबूजे का बीज इसे भी डाल देंगे और डालेंगे पिसी हुई शक्कर। आपको जितना मीठा पसंद हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1.5 कप बेसन के लिए 1 कप पिसी हुई शक्कर लिया है, क्योंकि लड्डू मीठा होता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो इसे हम डाल लेते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मसल मसल कर हमें मिक्स कर लेना है, कहीं से शक्कर की गुठलियाँ ना रह जाएं। तो एक बराबर हमें इसे मिक्स करना है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इस तरीके से उठा करके देखेंगे तो आसानी से इसका लड्डू बन रहा है। अगर आपका बैटर सूखा लग रहा है तो आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप घी लिया था, आप देख सकते हैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी बच गया है। तो इसे हम नहीं डालेंगे, नहीं तो लड्डू हमारा बहुत गीला हो जाएगा, इसका शेप जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो छोटा या बड़ा, जितने बड़े लड्डू बनाना है उस हिसाब से आपको लेना है और इस तरीके से इसे गोल कर लेना है और बनाकर इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। फटाफट बन जाता है और इसे बनाकर आप महीनों खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारा लड्डू जो है वो टाइट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं लड्डू बनाने के बाद इसे फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने के बाद ये लड्डू टाइट हो जाता है। तो इसे बाहर ही रखें, ये खराब नहीं होता है और अच्छा सा मुलायम बना रहता है। तो लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसे हम पिस्ता से गार्निश कर देते हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। आप इसे जब चाहे बनाकर खा सकते हैं, आप किसी भी टाइम इसे बना लें, आप किसी त्यौहार भी बना सकते हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी बना सकते हैं। और अगर आपको भगवान को भोग लगाना है तब भी आप इस लड्डू को बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो खाने में टेस्टी होता है और बनाने में बहुत आसान है। तो आप इस तरीके से बेसन का लड्डू बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका लड्डू कैसा बना।